नमस्कार दोस्तों, मैं हूं केशव खेरा और आप देख रहे हैं टेक दिस वीक, जहां हम आपको देश और दुनिया की टेक्नोलॉजी न्यूज से रूबरू कराते हैं। तो आइए देखते हैं कि क्या हुआ खास इस हफ्ते टेक्नोलॉजी की दुनिया में। रिलायंस जियो अपने उपभोक्ताओं का अच्छे से ख्याल रखना जानती है। जी हाँ, ट्राई के कहे जाने के बाद समर सरप्राइज ऑफर लेने के बावजूद भी कंपनी अब एक नया प्लान लेके आई है, जिसका नाम है धन धनाधन आईपीएल ऑफर, जिसके तहत कंज्यूमर 309 रुपये में 3 महीने तक अनलिमिटेड वॉइस कॉल्स और रोज के 1 GB 4G डेटा का लाभ उठा सकते हैं। सोनी ने इस हफ्ते अपनी स्मार्टफोन सीरीज में एक नया फोन जोड़ दिया है, जिसका नाम है एक्सपीरिया XA1। 23 मेगापिक्सल कैमरा से लैस इस फोन की कीमत है 19,990 रुपये। और इस फोन के दूसरे स्पेक्स की बात करेंगे तो वो एकदम एवरेज है, यानी एक्सपीरिया XA1 में आपको मिलेगा 5 इंच का HD रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले, MediaTek 6757 प्रोसेसर, 3 GB की रैम, 32 GB की स्टोरेज जिसको आप एक्सपैंड कर सकते हैं, 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा और 2300 mAh की बैटरी। कूलपैड ने आखिरकार कूल1 डुअल के 3 GB रैम वाले मॉडल को मार्केट में उतार दिया है। इस फोन को आप Amazon इंडिया की वेबसाइट से 10,999 रुपये की कीमत पर खरीद सकते हैं, जिस वजह से ये फोन डुअल रेयर कैमरे वाला सबसे सस्ता फोन माना जा रहा है। इस फोन को अगर आप देखेंगे तो रैम के अलावा इस फोन के बाकी स्पेक्स सेम ही हैं। कुछ समय पहले अपना फ्लैगशिप फोन डुअल 5 लॉन्च करने के बाद माइक्रोमैक्स ने इस हफ्ते बजट कैटेगरी में अपने 2 नए फोन्स लॉन्च किए हैं, जिनके नाम है माइक्रोमैक्स ईवोक नोट और ईवोक पावर। दोनों ही फोन 4000 mAh बैटरी से लैस हैं और इनकी शुरुआती कीमत है 6,999 रुपये। मोटो फैंस के लिए बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि माना जा रहा है कि मोटोरोला बहुत जल्द बजट सेगमेंट के साथ साथ अपना एक फ्लैगशिप फोन भी लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। जी हाँ, अटकलें आ रही हैं कि कंपनी एंट्री लेवल सेगमेंट में मोटो सी, मोटो सी प्लस, बजट सेगमेंट में मोटो E4 और E4 प्लस और प्रीमियम कैटेगरी का मोटो Z2 लॉन्च कर सकती है। अगर आप Xiaomi के फ्लैगशिप फोन Mi 6 का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे तो आपका अब इंतजार होने वाला है खत्म, क्योंकि कंपनी ने अनाउंस कर दिया है कि वो 19 अप्रैल को चाइना में इस फोन को लॉन्च करेगी और हमें उम्मीद है कि ये फोन उसके कुछ समय बाद इंडिया में भी उपलब्ध होना शुरू हो जाएगा। तो ये था इस हफ्ते का टेक्नोलॉजी ज्ञान। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप भी देश और दुनिया की टेक्नोलॉजी न्यूज से वाकिफ हो गए होंगे, पर फिर भी अगर आपको न्यूज के लिए कोई क्वेरी है तो प्लीज आप उसको मैंने कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसे जल्द से रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। साथ ही साथ अगर आपको इन न्यूज को डिटेल में पढ़ना है तो आप उसको हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर जाकर पढ़ सकते हैं। और हाँ, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अंटिल देन, दिस इज केशव खेरा साइनिंग ऑफ।